Hey guys, good morning and welcome back to another blog. आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए जाने से पहले पापा की डांट खा रहे हैं हम लोग। स्टार्टर हमने साफ सफाई नहीं की है, पापा जी दिखा रहे हैं कि कितनी धूल हो रखी है। तो स्टार्टर में हमने डांट खा ली है थोड़ी सी। अभी मेन कोर्स की बारी। मुझे भी मेरी रूम साफ करनी है भाई, थोड़ी गंदी हो गई है। अब लेडीज लोगों की अहमियत मुझे पता चल रही है भाई। वो होते ना तो घर कैसा साफ सुथरा रहता है, सब चीजें अप टू डेट रहती। नहीं तो हम क्या कंप्लेंट ही करते रहते, वो लोग क्या करते, उनका काम दिखता नहीं है पर छोटी छोटी चीजें होती, वो हर एक चीज का ख्याल रखते। तो जो भी घर पे रहते ना लेडीज, जो हाउसवाइफ्स है, यू आर डूइंग गुड जॉब गाइस। तो ये देखो भाई, मेरी रूम अभी देखो कैसी हो चुकी है, चीटियाँ हो रखी है, इधर कचरा पड़ा है सब। ये भी मुझे साफ करना पड़ेगा क्योंकि कोई तो नहीं आएगा अभी मेरी रूम साफ करने के लिए, तो मैं साफ कर लूंगा। ठीक है, मतलब पहले मुझे आदत थी, जब मैं कॉलेज के टाइम पे था, जब मैं अकेला रहता था बैचलर, तो मैं करता था सब चीज़ें, साफ सफाई, टॉयलेट वगैरह भी क्लीन कर लेता था, सब कुछ, कपड़े वगैरह धो लेता था, सब कुछ। पर जब मेरी शादी हो गई तो मतलब मेरी वो आदतें छूट गई, क्योंकि पायल टेक केयर करने लगी चीज़ें, घर पे रहता हूँ तो मम्मी टेक केयर कर लेती है, तो थोड़ी सी आदतें बिगड़ गई मेरी। पर अभी फिर से रिमाइंडर, अभी घर पे नहीं होते तो करना पड़ेगा। चलो खाना खाने के लिए जाना है सचिन के घर। सचिन का कॉल आया था। इससे पहले हम खाना खाने के लिए जाए, हमारा जो रास्ता है ना, ये इसको रिपेयर करने का काम चालू है, तो उसके ऊपर है ना थोड़ा सा मुरूम डालना है। मुरूम है ना, मिट्टी होती है ना, उससे थोड़ा कठिन होता है। ये देखो मुरूम डालेंगे, और ये रास्ता जहाँ जहाँ पे थोड़ा ऐसा गड्ढे हो गए ना, उसको भर देंगे फिर। तो जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हुए हैं वहाँ पे, ये देखो दादाजी बैठ ही नहीं सकते, दादाजी आ गए। यहाँ पे डालना पड़ेगा नीचे। यहाँ पे थोड़ा बड़ा गड्ढा है तो सीधा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रॉली। ओ भाई कितनी मिट्टी हो रही है। दादाजी भी आ गए मजा देखने के लिए। कुछ हजार साल बाद है ना इसकी मिट्टी बनेगी, तब तक ये मुरूम रहता है ऐसे। ठीक है, रॉक टाइप रहता है पर इतना सख्त भी नहीं रहता है। कुछ घर के सामने में डाल देते हैं, इधर थोड़ा गड्ढा है ना, इधर भी थोड़ा सा, और इधर एक थोड़ा सा गड्ढा है। खतरनाक गर्मी हो रखी है भाई, पसीना आ गया। करना पड़ता है भाई, गांव में ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। गांव में तो ऐसे सड़क वगैरह नहीं होता है, या फिर ज़्यादा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ना, तो ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ते हैं मुरूम डाल के। क्या हालत हो रखी है घर के सामने, देखो ऐसा लग रहा है कोई चांद पे आ गए हम लोग, गड्ढे गड्ढे हो गए घर के सामने। चलो भैया खाना खा लेते हैं, कढ़ी चावल बाजरे की रोटी। सुनील की तो मीटिंग चल रही है, तब तक हम खा लेते हैं। ओह पुलिस आ गई भाई हमारे घर। तुम्हें 8 पाला ऊपर तैयारी का तुम्हारा नाम कंप्लीट सरकारी पर का बक्सीस दिली मोदी सरकार ने थी, एक गोली मार ली 3 दिवस आरोप फरार। ती तो मेंटेनन्स का सध्या गोळा ती लोडिंग करा लागती। भाई हमारे घर है ना पुलिस आ गई है सचिन को पकड़ने के लिए। सचिन क्या किया है तूने? सचिन ने बहुत गड़बड़े करा। सचिन को लेके जाने का पकड़ के आज वही तक वाली पुलिस स्टेशन को। सचिन बहुत लफड़े करता गाँव। सचिन को लेके जाओ और छोड़ो ही मत। नहीं सोड़ा तरीका लाज मत त्याच्या नावाचं ते सगळ्यात मोठं मेन कंप्लेंट आहे। लय लपडे करतो गावात सारखे पूर्ण डोळे फुकू मारतो। पूर्ण डोळे फुकू मारतो मतांना दगडे फुकू मारतो। भाई ये लोग है ना घर घर जाके कुछ मांगते हैं और फिर अपना गुजारा करते हैं, तो दे देते हैं जो भी हमारे बस की होती चीज़ें। देना चाहिए भाई, देने से ना आदमी छोटा नहीं हो जाता, देना चाहिए जितना पॉसिबल है।
जितनी खुद की हैसियत है देना चाहिए, देने में बहुत ज़्यादा सुख है। मैं तो ट्राई करता हूँ भाई, जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं पे कुछ देने का दे रहता है भाई। ये सुनी लेना, दो दो मिनट में कुछ कुछ खाने को लेके आता है। इस पे लिखा है 20% फ्री। हाँ तो अगर इससे 20% माइनस किया तो कितना पूरा? वो 20% मतलब पहले 40% घटाते और फिर 20% बढ़ा के देते हैं। हाँ ये देखना, 35 + 7% 7 ग्राम टोटल 42 ग्राम। हाँ पहले 42 ग्राम होगा। वही है पार्ले जी का, तू बिस्किट देख, पहले 5 रुपए में 16 बिस्किट आते थे। विच फ्लेवर यू वांट? दिस वन। ये कौन सा है, मैंगो है क्या, पाइनएप्पल है क्या? पाइनएप्पल खाएंगे चलो। पूरा नहीं खा सकते रे, दोनों आधा आधा खाएंगे ना। ठीक है जस्ट नाउ भाई थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई की है मैंने, कुछ चीज़ें नई नई सीख रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम मिलता है बीच में, अगर काम कम होता है तो सीखना पड़ेगा भाई। डॉक्टर और इंजीनियर लोगों का क्या होता है बताए, हमेशा पढ़ना पड़ता है उनको। एक बार पढ़ाई हो गई उसके बाद नहीं कह सकते कि भैया अभी बस। मुझे लगता है डॉक्टर लोगों को तो और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है डीप में, क्योंकि उनके हाथों में इंसान की जान होती है। आई थिंक उनको कम पढ़ना पड़ता है। क्यों? हर इंसान की बॉडी सेम ही है, सेम डिसीजेज होते हैं तो वही चलता रहता है। अभी हमारे गांव के इधर मतलब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ना होता होगा, बट एक छोटे मोटे डॉक्टर जो है जाते हैं एंटीबायोटिक दे देते सीधा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। कौन से डॉक्टर? हाँ कुछ कुछ डॉक्टर, जैसे हमारे वो फैमिली डॉक्टर है, उस दिन मैं उनके पास गया था, एक ऐसा कुछ सवाल था, मतलब एक पायल को कुछ तो दिक्कत थी, पायल का कुछ सर दर्द वगैरह हो रहा था, तो उनको पता नहीं था, और वो बोले कि मुझे ना देखना पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा। उन्होंने अगले दिन देखा, उन्होंने बताया कि क्या इशू था, मतलब अभी उनकी उम्र कितनी होगी, 42-45 होंगी, तब भी इतना डेडिकेशन है। तो होते हैं कुछ कुछ लोग होते हैं डॉक्टर्स, वैसे कुछ कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं कि जो जिनकी याद आते हैं कि भाई अभी पढ़ना पड़ेगा तो वो पढ़ते क्योंकि ज़रूरी है भाई पढ़ना, अपडेट रहना ज़रूरी है। दोनों में एक चीज़ है। हाँ इंजीनियर लास्ट मिनट पे पढ़ सकता है, डॉक्टर लास्ट मिनट पे पढ़ नहीं, उसको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना पड़ता है। हाँ वही तो बोल रहा था मैं, डॉक्टर लोगों को ज़्यादा सीरियसली पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनके हाथों में डायरेक्टली किसी की जान होती है। वैसे इंजीनियर लोग क्या करते हैं भाई, हाँ 2-4 दिन है देखते हैं बाद में पढ़ेंगे, ऐसा हो जाता है। पर सही है भाई पढ़ना तो चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। एक टाइम के बाद क्या होता है कि चीज़ें ना आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आईटी का तो वैसा ही है भाई, आप तो नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपकी फिर वाट लग जाएगी। खाते पहले बातें बहुत हो गई। कैसा है स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी खा के देखते हैं, खुद खाओ खुद जान जाओ। सही है, इतना भी सही नहीं है। बोलने का सही कैमरे पे किसको पता है सही है नहीं। आई थिंक कैमरे पे हमेशा ट्रू रहना चाहिए। हाँ हम ऑनेस्ट है, इस वजह से हमारी ऑडियंस ये फैन का बहुत आवाज आता होगा वीडियो में, उसको कम कर, नहीं तो बंद कर दो। मेरा कम आता होगा? नहीं ये फैन का है ना, बहुत छोटे छोटे आवाज ऐसे है ना ब्लॉग रिकॉर्ड करते टाइम आते रहते हैं। हां मैं जब एडिट कर दो तब मुझे समझता है। दिस वन इज गुड, इसमें फ्लेवर में थोड़ा बचपन में लग्जरी था पता है, क्रीम वाला बिस्किट। अरे पार्ले जी मिल जाता था, क्रीम वाला नहीं मिलता। क्रीम वाला बिस्किट मतलब है ना भाई, कुछ तो पा लिया जिंदगी में, कोई बड़ा मेहमान आया तो हाँ क्या, कोई शहर से मेहमान आ गया तो वो लाता था, नहीं तो हम लोग 5 रुपए के पार्ले जी में खुश थे। इधर 5 रुपए के पार्ले जी में तब 16 बिस्किट आते थे, मतलब हम गिन के बांट के खाते थे। हाँ हम 6 बच्चे थे, एक एक को दो दो आ जाते थे और बचे हुए फिर से डिवाइड होते। हाँ और जो एब्सेंट था मतलब अगर छह लोग और बांटते समय कोई एब्सेंट है तो उसके
बिस्किट्स वैसे ही रख के रखे होते हैं, हाँ कोई खाता नहीं था उसको। तब हमारी जॉइंट फैमिली थी, मतलब सचिन, वैभव, मैं, पायल, पायल नहीं पल्लवी, वैष्णवी, हम सब भाई, सब लोग हैं ना, अब जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो उस टाइम पे मतलब बिस्किट वगैरह कोई गया बाहर, एक एक बिस्किट पार्ले जी लेके आएगा तो सब लोग खाएंगे, ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ करता था। एक सवाल था बोलना। जैसे वहीनी नहीं है, श्रुति नहीं है, मम्मी नहीं है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा याद किसके आती है? मम्मी और पायल की। सबसे ज्यादा मतलब एक ही बताना होता है, डिप्लोमेटिक नहीं बनना होता। सबसे ज्यादा तो मम्मी की आती है। मुझे भी मम्मी, जब मैं किचन में जाता हूँ मुझे मम्मी की याद आती है। मम्मी की याद तो आती है भाई, मम्मी के सिवा घर घर खालीपन लगता है। और सबसे कम किसकी आती है? हम सबसे कम पायल। मुझे भी श्रुति की कम आती है, पायल भी नहीं जीनी। श्रुति की कम याद आती है क्या? मैं तो भाई रिलैक्स हो जाता हूँ बीवी जब मायके चली जाती है, दिमाग को कुछ ये नहीं रहता, थोड़ा काम वाम करना पड़ता है बाकी की चीजें, तो दिमाग सही रहता है, शांति हो जाती है। पर ज्यादा दिन मायके में रही तो फिर बोर होने लगता है इधर, पायल ऐसा लगता है कब आएगी फिर, मतलब 8-10 दिन ठीक है। ये खौफ बोल रहा है, खौफ नहीं है ये रियलिटी है। दिख रहा है मतलब जैसे ब्रेक चाहिए होता है ना, एक बंदे को ब्रेक चाहिए होता है कि भाई, क्योंकि पायल का क्या है, सुबह से मेरे पीछे पड़ जाती है, पहले तो मम्मी पीछे पड़ती थी, अब पायल भी पीछे पड़ जाती है, मतलब मेरी अभी दो दो मम्मियां हो चुकी है इस घर में। सुबह नहाने के लिए पहले तो उठाने के लिए आएगी, उठाने के मतलब उठाने तो वो दरवाजा पीटेगी, कुछ तो दिमाग खराब करती रहती, फिर खाना खिलाने के लिए, नहाने के लिए, मतलब ऐसी चीजें, मतलब मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ फिर कभी कभी, पर मिस भी करते भाई वो लोग, होते नहीं तब अहमियत पता चलती होगी। चलो थोड़ा घूम के आते हैं भाई। चिंकू पिंकू को मैंने बिस्किट खिला दिए, खुश कर दिए इन लोगों को, मैंने खुशी बांट दी मैंने इन लोगों में, ठीक है। देख सचिन, देख अमरेंद्र बाहुबली, ऐसा जोश चाहिए इंसान में। हमारे दादाजी है ना भाई, एक नंबर इंसान है, हार्डवर्क के ना पूरी की पूरी दुकान है, दुकान नहीं भंडार है हार्डवर्क का। अभी इसके लिए ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुरूम हो गया यहाँ पे। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं। सचिन तुम्हारा हो गया, ये क्या करके आया है? लगा 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 लगा। अरे हाँ मस्त, पर क्यों किया सचिन तूने? भाई वो बहुत ये वो है थे, क्या उसके क्या बोलते हैं, बाल झड़ रहे थे। हाँ झड़ रहे थे, टकला हो रहा था इसलिए टकला हो गया आगे। यस तेरा हेयरलाइन जा रहा है क्या पीछे? इधर बहुत ये शादी तक तो रहने चाहिए। हाँ वो इसलिए किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, ठीक है, बाय बाय। Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and